क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले T20 मैच में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया। दोस्तों, बैटिंग के लिए फखर जमान और बाबर आजम ने इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन फखर जमान बहुत जल्द ही सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, उसके बाद इमामुल हक बाबर आजम का साथ देने के लिए आए, लेकिन इमामुल हक भी ज़्यादा देर क्रीज पर टिक न सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों, बाबर आजम का साथ देने के लिए तीसरे नंबर पर आने वाले बैट्समैन हारिस ट्रेल थे, जिन्होंने बाबर आजम के साथ मिलकर गोरों की खूब पटाई की और गोरों के मुँह लटक गए। दोस्तों, बाबर आजम और हारिस ट्रेल ने अपनी अपनी 50 रन भी मुकम्मल किए। दोस्तों, हारिस ट्रेल 50 रन बनाकर आउट हो गए और उसके बाद साथ देने के लिए आसफ अली आए बाबर आजम का। दोस्तों, बाबर आजम भी 65 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद आने वाले बैट्समैन इमाद वसीम थे। दोस्तों, इमाद वसीम ने आसफ अली को रन आउट करा दिया। दोस्तों, उसके बाद आने वाले बैट्समैन फहीम अशरफ थे। दोनों बैट्समैनों ने मिलकर खूब पटाई की। दोस्तों, फहीम अशरफ भी आउट हो गए, जिसके बाद हसन अली आए। दोस्तों, पाकिस्तान ने लास्ट ओवर में 12 रन बनाए और 173 रन का जीत के लिए इंग्लैंड को टारगेट दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।